Our today's topic is usefulness of the internal audit. Like, where, what all are the areas where the internal audit is important, where the internal audit will be useful for us? Now, the very first is, it is useful for management. Okay, standard on, as I told you, standard on auditing is not applicable for the internal audit. Internal audit has its own standard. So standard on internal audit one, that is planning an internal audit by ICAI. Internal audit help us. Abhi ye management ko kaise help kar raha hai? So it helps us in the following ways. What are the first way? Understand and access the risk and internal control. When you check the books of accounts in detail, where you check, you know, each and every transaction thoroughly, तो आपको जो भी risk involved था उसमें वो आपको identify कर दिया. इससे आपको ये भी पता चला कि company का internal control जो system है, how the internal control system is. So ultimately it helps us, you know, to identify the risk and just to know whether the internal control is proper or not. It helps us to identify the area where the improvements are needed. अगर ऐसा कुछ है कि जहाँ पर हमें improvements की ज़रूरत है, तो हम improve भी कर सकते हैं. So ultimately, it helps us to find out the inefficiencies. So the internal audit can identify these practices, and even though internal auditor can suggest the ways as well to eliminate them. So inefficiencies will be able to identify. So inefficiency pata chal jayegi, to aap easily usme improvement kar sakte ho, and you can strengthen the control system. Plus this is nothing but this is like a early warning system. Aapko sab pehle se na ek warning mil jati hai. So it helps in a time to time mein, jahan par aapke regulatory needs hai, jahan par aapko regulatory agencies ko intervene karna hai. तो इससे आपको ये एक अर्ली वार्निंग दे देता है. सो दिस इज इवन टर्म्ड एज अ अर्ली वार्निंग सिस्टम. नेक्स्ट इज इट एंश्योर्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी. ऑल द रिसोर्सेज विल बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या तो फिजिकल रिसोर्सेज हो. बिकॉज यू नो देर आर, आप कितना भी 100% कंट्रोल करने का ट्राई करो एनवायरमेंट में, बट देर आर सम ऑफ द गैप्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कहाँ कहाँ पर तो कंट्रोल कर देते कि नहीं आपको ये अप्लाई नहीं करना, ये नहीं करना है. सो इंटरनल ऑडिट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दिस गैप सो दैट द कंट्रोल्ड कैन बी अप्लाइड एंड देर विल बी अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एज वेल बिकॉज ऑफ दिस. नेक्स्ट इज एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री. नाउ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज विच जिसके हैपनिंग अनसर्टन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो अब देखो, अगर आपको वैसे एक्सटर्नल ऑडिटर जब कब आता है, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन योर होल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड कैप्ट रेडी. बट इंटरनल ऑडिट कब होता है? कंटिन्यूअस बेसिस पर इंटरनल ऑडिट टेक्स प्लेस. तो यहाँ पर बीच में कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, या तो ऐसी कोई लायबिलिटी है जो बड़ी वाली लायबिलिटी है जो हमें रीपे करनी है, सो हमें इजिली उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बाकी देखो, जब तक अगर इंटरनल ऑडिट नहीं हुआ तब तक वी नीड टू वेट फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर टू कम एंड टू चेक इट अप. बट यहाँ पर इंटरनल ऑडिट की वजह से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इट अप. एंश्योर कंप्लायंस विद द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल गाइडलाइंस एंड द पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी एज वेल एज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. व्हिच व्हाइल चेकिंग, जो भी वो चेक करे उनसे ये पता चलेगा कि प्रॉपरली सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर हुए या नहीं, वेदर द रिस्क इज प्रॉपरली असर्टेन्ड और नॉट. इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई के वेदर जितनी भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, अकाउंटिंग पॉलिसीज को देख के ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं या नहीं. दैन इट हेल्प्स अस टू इवन द सेफगार्ड द असेट्स, रिव्यूइंग एंड एंश्योरिंग एडिक्वेसी, रिलायंस, रिलायबिलिटी एंड द टाइमलाइननेस ऑफ द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. सी ओवरऑल जो भी कंपनी की एफिशिएंसी है ना, इट इज अफेक्टेड इफ यू हैव अ इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस व्हिच आर बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन इनएफिशिएंट इंडिविजुअल्स. कुछ इनएफिशिएंट इंडिविजुअल्स के वजह से ना पूरा एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो जाती है. तो इंटरनल ऑडिट से हमें ये इंश्योर कर देगा कि कंपनी कैन रिलाई ऑन द मैंडेट प्रोसेस, रादर देन हम किसी एक इंडिविजुअल को देख के हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं ना, एंड अल्टीमेटली देन वी कैन टेक अ डिसीजन.
Because who will be deciding the scope of the internal audit? Obviously, the management will be deciding, the company, the management will be deciding it up. So it means that the jo bhi kitna scope rakhna hai mujhe internal audit ka, wo bhi decide kaun karega? Obviously, it will be decided by the management. देखो इंटरनल ऑडिट करने से हमें ये तो पता चल जाएगा कि एटलीस्ट विच इंडिविजुअल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच प्रोसेस. सो अगर मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्सअप करना है तो यू नो आई कैन डायरेक्टली हेल्ड अकाउंटेबल टू दैट इंडिविजुअल. अगर कुछ भी गलत जा रहा है तो मैं सिर्फ वही इंडिविजुअल को पकड़ के क्या करूंगी, मैं उसको पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ. सो अल्टीमेटली योर इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड्स प्रॉपर एंड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट. ये काफी एक पावरफुल टूल है विच इज अवेलेबल टू द मैनेजमेंट, बिकॉज इंटरनल ऑडिट से आपको एक कंप्रिहेंसिव यू नो डिटेल्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिसेस जो भी कंपनी फॉलो कर रहे हैं वो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड यू कैन इम्प्रूव अप द फॉल्ट्स एज वेल. एंड इफ द मैनेजमेंट इज पेइंग द क्लोज अटेंशन टू ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज बीन गैदर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ऑडिट, वो ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो किसको बेनिफिशियल होगा, इट विल बी बेनिफिशियल टू द कंपनी बिकॉज देर विल बी अ प्रॉपर एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन बिजनेस. यूज फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज वेल. नाउ हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. सी जब भी एक एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा ही हैज अ सोल, जो भी इंटरनल ऑडिट ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया होगा ही विल स्टडी द रिपोर्ट, ही विल फर्स्ट एग्जामिन के वेदर द जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपरली यूजफुल है या नहीं एंड देन ही विल डिसाइड कि हाउ मच ही नीड्स टू रिलाई ऑन द इंटरनल ऑडिट एंड अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरक्शन विच मस्ट हैव बीन टेकन प्लेस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. एक्सटर्नल ऑडिटर विल डिटरमाइन द कितने एक्सटेंट तक मुझे चेकिंग करना है, वॉट विल बी द नेचर, वॉट विल बी द टाइमिंग, वॉट विल बी द कंप्लीशन टाइम, मैं मुझे कौन कौन से प्रोसीजर्स को यूज करना है. सो इट इज हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट एज वेल एज इट इज यूजफुल फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज वेल. अगर कुछ रिस्क असेसमेंट करना है मुझे तो रिस्क भी मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ एंड आई कैन टेक अ नेसेसरी एक्शन इवन टू एलिमिनेट दोज रिस्क. अगर कुछ एरर्स हुए हैं तो देर विल बी अर्ली डिस्कवरी ऑफ द एरर्स और अगर एरर्स इजीली रेक्टिफाइड हो रहे एंड टाइमली रेक्टिफिकेशन उनका हो रहा है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी वो तो हेल्पफुल होगा. बिफोर कमेंसिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट जितने भी एरर्स होंगे वो रेक्टिफाइड हो चुके होंगे एंड इफ द इंटरनल ऑडिट इज यू नो कंडक्टेड बाय द प्रॉपर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल ना तो इवन इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फ्रॉड एज वेल बिकॉज टॉप मैनेजमेंट के पास उतना टाइम नहीं होगा कि वो माइन्यूटली सब कुछ डिटेल में रिकॉर्ड्स पढ़े. सो ये कौन हमें हेल्प कर सकता है, ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिटर कैन हेल्प अस इन दिस. इवन द जो भी अकाउंटिंग स्टाफ होगा ना वो भी एक विजिलियंट होगा कि जो भी हम जितना भी काम कर रहे हो हमारा काम कोई और चेकिंग करने के लिए भी है तो उन लोग जो भी यू नो दे विल बी यूजिंग अ प्रॉपर प्रोसीजर, दे विल बी फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसीजर क्योंकि उनको पता है ना रेगुलरली देर इज समवन टू चेक ऑन देयर वर्क, उनके पास से अपडेट लेने के लिए कोई है. सो इवन द स्टाफ बिकम्स वेरी विजिलियंट. सो इट इज यूजफुल इन ईच एंड एवरी मैनर. ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हेल्प करेगा तो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, हम इसके वजह से हमारे स्टाफ पर भी तो चेक रख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द यूजफुलनेस ऑफ द इंटरनल ऑडिट.